नमस्कार दोस्तों, द स्किल हब चैनल के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। डीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में जो अभी बहुत लोगों को क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने आंसर्स दिए हैं। ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं जो जो क्वेश्चंस है उसके उन्होंने आंसर देने की कोशिश की है। चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो में उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या है। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जिन्होंने ऑलरेडी सेतु पे रजिस्ट्रेशन किया है उनकी प्रोसेस कैसे होगी। तो इसके आंसर में वो लिखते हैं कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है पहले वो अब कंसिडर नहीं होगा, उनको फिर से ये साइट्स पे रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा, इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, फार्मेसी के लिए और होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए यहाँ इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सेतु अभी भी टेक्निकल कोर्स के लिए अवेलेबल है? तो उनका आंसर है नो, अब एफसी सेंटर होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स ने पेमेंट जो दिया था उसका क्या होगा? तो वो कहते हैं कि आपकी पेमेंट आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी, नए सिस्टम के लिए आपको फिर से पेमेंट करना अनिवार्य होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है क्या फिर भी मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है? तो वो कहते हैं कि हाँ, आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने होंगे? तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी फिर से अपलोड करने होंगे। ओल्ड एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड उसका क्या होगा? तो वो कहते हैं कि उसका कुछ भी अब कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेवन, फिर से वही क्वेश्चन है, सार पोर्टल रिलेटेड, वो कहते हैं कि सार रिलेटेड अब कुछ भी नहीं होगा। एट्थ क्वेश्चन है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। नाइन्थ है अबाउट शेड्यूल, तो वो कहते हैं कि नया शेड्यूल दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही आगे की एडमिशन प्रोसेस होगी। टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रोसेस कैसे होगी? इस पर हम सेपरेट वीडियो एक बनाने वाले हैं, अब इस पर हम बाद में बात करेंगे। इन जनरल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पे करनी है, उसका प्रिंट लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स एफसी सेंटर में आपको वेरीफाई कराने हैं और फिर आपको कैप राउंड के लिए आगे ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्ट वैलिडिटी इज इसेंशियल, तो उस पर आंसर आया है यस। ये सारे कैटेगरीज के लिए जो मेंशन किए हैं उनके लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें वो लिखते हैं क्या रिसीप्ट वैलिड होगी? तो वो कहते हैं नो, रिसीप्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है अबाउट नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, क्या ये ज़रूरी है? तो उसके लिए आंसर है ये सारे कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और वो वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2020 तक, उसकी रिसिप्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है 13, 14, 15 क्वेश्चन नंबर जो इनकम लिमिट के बारे में पूछ रहे हैं, सबके लिए 8 लाख का इनकम लिमिट है। 17 क्वेश्चन है कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उस पर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन है कितने राउंड होंगे, तो वो कहते हैं कि टोटल 3 राउंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या इंडियन पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो डीटी ने ट्राई किए हैं देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, थैंक यू।